मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू टी एस एन द स्कूल. माई सेल्फ स्वाति महावर. टुडे वी स्टार्ट इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 9th. वी स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2, पीपल एज रिसोर्स. इससे प्रीवियस जो चैप्टर था द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर, वो हम पढ़ चुके हैं. टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 2. इस बुक के अंदर सिर्फ आपके 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, इसके बाद एक चैप्टर और है. 4th चैप्टर जो फूड सिक्योरिटी है वो आपके सिलेबस में नहीं है. नाउ द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन अ लाइबिलिटी. पीपल एज रिसोर्स का मतलब क्या है? जो ह्यूमन बींग है, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, वो एक तरह से क्या है? असेट है. असेट यानी कि प्रॉपर्टी फॉर द इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी के लिए, रेदर देन अ लाइबिलिटी, ना कि वो क्या है? एक लाइबिलिटी है. लाइबिलिटी क्या होती है? एक तरह से डेप्थ जो होता है, कर्जा जो होता है, जिसे हम वापस से रिपे करते हैं, वो क्या कहलाती है? लाइबिलिटी. तो लाइबिलिटी ना होके यहाँ के लोग क्या है? असेट है, जिसके ऊपर हम जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे वो उतना ज़्यादा हमको क्या देगा? मनी देगा, इतना ज़्यादा कैपिटल फॉर्म करके देगा. पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एडुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर. अभी मैंने आप लोगों को बोला कि ह्यूमन बींग के ऊपर हम जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आने वाले टाइम के अंदर उतना ही मनी क्रिएट करके देता है. तो पॉपुलेशन जो है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? ह्यूमन कैपिटल. कैपिटल यानी कि मनी. कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल हमने क्यों बोला है? क्योंकि ह्यूमन बींग जो है, जो मनी है, वो यहाँ पे क्या करेगा? मनी क्रिएट करेगा. तो मनी क्रिएट करने की जो उसकी एबिलिटी है, उसी की वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं. वो भी एक तरह का क्या है? मनी है, इन्वेस्टमेंट है, पैसा है. तो इन्वेस्टमेंट हम किस फॉर्म में करते हैं? एडुकेशन, उसको पढ़ाते हैं, जैसे छोटे बच्चे को पढ़ाया लिखाया जाता है ताकि आने वाले टाइम के अंदर वो अपना जॉब कर सके. ट्रेनिंग उसको दी जाती है, मेडिकल केयर, उसका हेल्थ का पूरा ध्यान रखा जाता है. ठीक है, तो किसी तरह से वो बीमार ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो उसको, ताकि वो अपने अच्छे से अपना डेवलपमेंट कर सके. इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बेडेड इन देम. ह्यूमन कैपिटल एक तरह का क्या है? स्टॉक है और स्किल है. स्टॉक यानी कि एक स्टॉक है हमारे पास, ह्यूमन कैपिटल हमारे पास स्टेबल है, यहाँ पर स्टॉक है, हमने उसको स्टॉक में रख रखा है. और स्किल है, प्रोडक्टिव नॉलेज है, यानी कि जो ह्यूमन बींग है उनका नॉलेज इतना अच्छा है, स्किल इतना अच्छा है कि वो अच्छा मनी क्रिएट कर सकते हैं, मनी अर्न कर सकते हैं. पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज़. अब पीपल एज रिसोर्स जो होते हैं, यानी कि लोगों को जो रिसोर्स बोला जाता है, वो क्या कहलाते हैं? यहाँ के वर्किंग पीपल होंगे, जो काम करते हैं, काम करके पैसा कमाते हैं, मनी अर्न करते हैं अपने खुद के स्किल और एबिलिटीज़ के थ्रू. लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट एम्फेसिस इट्स एबिलिटी टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. हम पहले पढ़ चुके हैं GDP, GNP. तो जो ह्यूमन बीइंग है, वो जो प्रोडक्शन वो करता है, जो भी वो काम करता है अपने स्किल और एबिलिटीज़ से, तो उससे वो किसके अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहा है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि इंडिया के अंदर जितना भी प्रोडक्शन जो किया जाता है वो किसके अंदर आ जाएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. लाइक अदर रिसोर्स पीपल ऑल्सो इज अ रिसोर्स. पीपल भी क्या है? एक रिसोर्स है, दूसरे रिसोर्सेज की तरह. रिसोर्सेज समझते हैं आप लोग. A human resource, this is the positive side of a large population that is often overlooked when we look only at the negative side. Considering only the problems of providing the population with food, education and access to health facility. आप सबको पता है कि इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है, सेकेंड नंबर पे इंडिया आता है पूरे वर्ल्ड के अंदर इन फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन. तो हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है, तो हम लोग क्या देखते हैं? जो नेगेटिव साइड है उसका, वही हम लोग देखते हैं. यानी कि जो मेजर प्रॉब्लम है ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ एडुकेशन फैसिलिटी, शॉर्टेज ऑफ फूड, शॉर्टेज ऑफ हेल्थ फैसिलिटी, तो ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं किसकी वजह से? हाई पॉपुलेशन की वजह से. लेकिन क्योंकि हमने इस ह्यूमन पॉपुलेशन को एक रिसोर्स बताया है, तो एक रिसोर्स होने की वजह से ये क्या हो गया? वैल्यूएबल हो गया. और क्योंकि ज़्यादा हमारे पास ह्यूमन कैपिटल है, ज़्यादा हमारे पास ह्यूमन बीइंग है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा. और ये इसका क्या कहलाएगा? पॉजिटिव साइड कहलाएगा फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री. नाउ When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation.
ठीक है, मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं एडुकेशन और अच्छी हेल्थ के फॉर्म में, वो एडुकेशन और गुड हेल्थ हमको क्या निकाल के देता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि मनी फॉर्म करके देता है। अगर आज हम अच्छा पढ़ लेंगे, हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, तो हम अच्छा मनी जनरेट कर सकते हैं इन माय फ्यूचर। वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। और जिस तरीके से फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन है, फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि मशीन्स जो हैं, उसी तरीके से क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, ह्यूमन कैपिटल यानी कि ह्यूमन बीइंग। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एडुकेशन ट्रेनिंग मेडिकल यील्ड्स अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। और जिस तरीके से फिजिकल कैपिटल के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी दे के, उसके अंदर पेट्रोल और फ्यूल उसके अंदर डाल करके, तो उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट अगर ह्यूमन कैपिटल के ऊपर किया जाता है, तो वो भी अच्छा मनी जनरेट करके, अच्छा इनकम जनरेट करके दे सकता है। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम अर्न बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एडुकेटेड और द बेटर ट्रेन पर्सन एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्थियर पर्सन। ठीक है, आप लोगों को पता है, जैसे पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि अच्छा अगर पढ़ाई कर लोगे, अगर अच्छा पढ़ लोगे तो अच्छी जॉब लग जाएगी। अच्छी जॉब लग जाएगी, अच्छी जॉब से क्या मतलब है यहाँ पे, कि हमारा जो इनकम लेवल होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। अच्छी जॉब होगी, अच्छी जगह पे हम काम करेंगे, ज़्यादा एडुकेटेड होंगे तो अच्छी जगह पे हमें एक वर्क मिलेगा और वहाँ पर इनकम सैलरी भी हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जो अनएडुकेटेड पर्सन होता है उसका सैलरी इनकम क्या होता है, कम होता है इन कंपैरिजन टू द एडुकेटेड पर्सन। समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? नाउ सी, इंडियाज़ ग्रीन रिवोल्यूशन इज़ अ ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ द इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज कैन रैपिडली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्कैर्स लैंड रिसोर्सेज। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन आप सबको पता है क्या है। ग्रीन रेवोल्यूशन जो हाई यील्डिंग वेराइटी के सीड्स, इरीगेशन फैसिलिटी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सारी चीज़ें जो दी गई थी क्रॉप के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, इन सब चीज़ों का जो बूस्ट किया गया था, तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। और वही इंक्रीज प्रोडक्टिविटी होने की वजह से हमारा कंट्री अच्छा डेवलप हो गया था। और जो एक रिवोल्यूशन आया था, उस रिवोल्यूशन को क्या कहा गया, ग्रीन रिवोल्यूशन। तो जिस तरीके से ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, उसी तरीके से एक आईटी रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है। ग्रीन रिवोल्यूशन किसके लिए था, फिजिकल कैपिटल यानी लैंड के लिए था, और आईटी रिवोल्यूशन किसके लिए है, ह्यूमन कैपिटल के लिए है। इज अ स्ट्राइकिंग इंस्टेंस ऑफ हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैज केम टू एक्वायर अ हायर पोजिशन दैन दैट ऑफ मटेरियल प्लांट एंड मशीनरी। आज मटेरियल प्लांट और मशीनरी, इन सबसे ज़्यादा अच्छा पोजिशन आज किसका है, ह्यूमन कैपिटल का है। क्यों क्यों है, क्योंकि मटेरियल प्लांट और मशीनरी ये ऐसी चीज़ें हैं जो बिना ह्यूमन कैपिटल के नहीं चल सकती है। ह्यूमन कैपिटल का इनको ज़रूरत होता ही होता है। तो अब ये हमारे बिना नहीं चल सकते, तो हम तो क्या हो गए, सुपीरियर हो गए इनसे। तो ह्यूमन कैपिटल जो है वो ज़्यादा सुपीरियर है इनसे, किससे, फिजिकल कैपिटल से। आया आप लोगों के समझ में? नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, लेट्स डिस्कस। लुकिंग एट द फोटोग्राफ कैन यू एग्जामिन हाउ अ डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर एंड अ टेलर आर एन एसेट टू द इकोनॉमी। अब इस फोटो के अंदर जो भी दे रखे हैं, ये सब क्या है, ह्यूमन कैपिटल है, क्योंकि ये क्या करते हैं, मनी जनरेट करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं। नॉट ओनली डू द मोर एडुकेटेड एंड द हेल्थियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम्स, सोसाइटी ऑल्सो गेन्स इन अदर इनडायरेक्ट वेज बिकॉज द एडवांटेजेस ऑफ अ मोर एडुकेटेड और हेल्थियर पॉपुलेशन स्पेक्ट्स टू दोज ऑल हु themselves वर नॉट डायरेक्टली एडुकेटेड और गिवन हेल्थ केयर। तो यहाँ पर एडुकेटेड पर्सन भी कमाता है इंडिया के अंदर, और नॉन एडुकेटेड भी कमाता है, लेकिन जो एडवांटेज है वो किसको ज़्यादा मिलता है, एडुकेटेड को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो अच्छा पढ़ा लिखा होता है, समझदार होता है, अच्छा हेल्दी पॉपुलेशन, पॉपुलेटेड हेल्दी पर्सन होता है वो। ठीक है, तो हेल्थियर पॉपुलेशन और एडुकेटेड पॉपुलेशन का एडवांटेज क्या रहता है, ज़्यादा रहता है इन कंपेरिजन टू द अनएडुकेटेड पर्सन। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज इन वन वे सुपीरियर टू दोज अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ह्यूमन कैपिटल सबसे सुपीरियर होगा, क्यों, क्योंकि वो सबके लिए, सबका, सबको क्या करता है, मैनेज करता है, उसके बिना कोई भी अपना काम नहीं कर सकता, कोई मशीन, कोई लैंड, किसी भी तरीके से अपना खुद का काम नहीं कर सकते, उनको एक ह्यूमन की तो ज़रूरत होती ही होती है।
Human resource can make use of land and capital. Land and capital cannot become useful on its own. अपने खुद के लेवल पे वो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है. For many decades in India, a large population has been considerably a liability rather than an asset. तो बहुत सारे decades जो इंडिया के अंदर आए थे, मतलब पिछले कुछ सालों के अंदर क्या हुआ है, population हमारा क्या बन गया है, उसको हम क्या मानने लग गए, liability मानने लग गए asset की जगह. क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर वो हमको क्या करता है, मनी क्रिएट करके देता है. एक तरह से हमारी क्या हो गई, वो FD हो गई, फिक्स डिपॉजिट हो गया, कि भाई आज 10 सालों के अंदर अगर हम इसको जमा करेंगे, अगर 10 साल के लिए हम उसको अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसका अच्छा बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हेल्दी उसका हेल्थ अच्छा रखेंगे, तो आने वाले टाइम के अंदर वो बच्चा मनी जनरेट कर सकता है. तो ये एक तरीके से हमारा क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट साइड. पॉपुलेशन नीड टू बी ओवरबर्डन फॉर द इकोनॉमी, बट अ लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट बी एन बर्डन फॉर द इकोनॉमी. लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़ा पॉपुलेशन इंडिया के लिए बर्डन है. मैंने आप लोगों को बताया था ह्यूमन कैपिटल क्या बन गया, कैपिटल बन गया ह्यूमन बींग. तो लार्ज पॉपुलेशन हमारा एक क्या हो गया, पॉजिटिव साइड हो गया, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज़्यादा हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगा. इट कैन इट टर्न इन टू अ प्रोडक्टिव असेट बाई इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल. ठीक है, ह्यूमन कैपिटल के अंदर अगर हम किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको कोई चीज़ सिखाई पढ़ाई लिखाई जाती है, तो उससे आने वाले टाइम में वो क्या कर सकता है, मनी जनरेट करके हमको दे सकता है. द टू फॉलोइंग केसेज इलस्ट्रेट हाउ पीपल कैन ट्राई टू बिकम अ मोर प्रोडक्टिव रिसोर्स. अब दो स्टोरी दे रखी है, स्टोरी ऑफ सकल. सकल की स्टोरी के अंदर क्या है, दो फ्रेंड्स होते हैं विलास और सकल, लिविंग इन द सेम विलेज, एक ही विलेज के अंदर रहते हैं. उस विलेज का नाम क्या है, सेमापुर. सकल 12 ईयर का बच्चा होता है. उसकी मदर शीला जो डोमेस्टिक चोर्स घर के ही काम करती है, उसके जो फादर है बूटा चौधरी, वो किसी एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर काम करते हैं, यानी किसी फील्ड किसी गांव के किसी ज़मीन के ऊपर जाकर के एग्रीकल्चर का काम वो करते हैं. सकल अपनी मदर को हेल्प करता है घर के कामों के अंदर. ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू. वो अपने भाई और बहन का भी ध्यान रखता है. उसके जो अंकल हैं श्याम, वो मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास कर सके, यानी कि उन्होंने मैट्रिक पास कर लिया, टेंथ पास कर लिया, लेकिन फिर भी वो घर के अंदर आइडल यानी कि फ्री बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है. बूटा और शीला जो है वो क्या करते हैं, एगर टू टीच सकल. बूटा और शीला को कौन पढ़ाता है, सकल पढ़ाता है. दे फोर्स हिम टू ज्वाइन द विलेज स्कूल विच ही सून ज्वाइन. ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कम्प्लीटेड हिज हाईएस्ट सेकेंडरी एग्जामिनेशन. वो क्या चाहता है कि मेरे भाई बहन भी उसी स्कूल में पढ़े जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, जो गांव का जो स्कूल था हायर सेकेंडरी का, जहाँ से उसने हायर सेकेंडरी पास किया. उसके जो फादर थे उन्होंने उसकी पढ़ाई को आगे बढ़ाया. ही रेज्ड अ लोन, उन्होंने एक लोन लिया सकल को आगे वोकेशनल कोर्स कराने के लिए कंप्यूटर्स के अंदर. सकल क्या हो गया, मैट्रिटीरियस हो गया एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ फॉर द बिगिनिंग. शुरू से ही मैट्रिटीरियस था वो, शुरू से ही उसको इंटरेस्ट था पढ़ाई के अंदर, वो चाहता था कि अच्छा पढ़ाई करे. With great vigor and enthusiasm he completed his course. खूब मेहनत करने के बाद में उसने अपना कोर्स कंप्लीट किया. कुछ टाइम बाद उसकी जॉब लग गई किसी प्राइवेट फॉर्म के अंदर. ही इवन डिज़ाइन अ न्यू काइंड ऑफ, और वो इतना एबल हो गया, इतना अच्छा उसने उसका जॉब लगा, इतना अच्छा वो एबल टैलेंटेड हो गया कि उसने खुद का एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर लिया. दिस सॉफ्टवेयर हेल्प हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म. उसने जो सॉफ्टवेयर बनाया उस सॉफ्टवेयर से जिस फर्म के अंदर वो काम करता था उस फर्म की क्या हो गई, सेल बढ़ गई. हिज बॉस एक्नॉलेज हिज सर्विसेज एंड रिवार्डेड हिम विद अ प्रमोशन. उसके बॉस उससे बहुत खुश हुए, उनको बहुत खुशी हुई कि हमारे यहाँ पर जो एम्प्लॉई है वो इतना अच्छा काम करता है, उसकी वजह से हमारी सेल इंक्रीज हुई, और उन्होंने उसको क्या दिया, रिवार्ड दिया, यानी कि उसको इनाम दिया. इनाम के तौर पर उन्होंने उसको एक प्रमोशन भी दिया, उसको आगे अच्छी सीट के लिए, आगे सीनियर पोजिशन के लिए उसको क्या कर दिया गया, प्रमोट कर दिया गया. तो यहाँ पर इस स्टोरी के अंदर जो सकल की जो स्टोरी है उसके अंदर उसने जो कुछ भी हासिल किया ज़िंदगी के अंदर, उसको जो कुछ भी मिला, जो अच्छा जॉब अच्छा मनी उसको जो मिला, वो किसकी वजह से मिला, एक तो उसके एंथुसिएज्म की वजह से मिला कि वो बहुत इंटरेस्टेड था पढ़ाई के अंदर, बहुत इंटरेस्ट था उसका. दूसरा उसके फैमिली ने उसको सपोर्ट किया, उसके फादर ने लोन लिया, लोन लेने के बाद पैसा उधार लेने के बाद उन्होंने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया, उस मनी को उसके ऊपर खर्च किया, उसको वोकेशनल कोर्स कराया, और उसके बाद उसने मनी अर्न करना शुरू कर दिया. समझ में आया आप लोगों को? तो यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट उसके फादर ने किया वही इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहलाएगा. क्यों किया उन्होंने, क्योंकि उनको पता था कि आने वाले टाइम में ये हमें अच्छा इनकम जनरेट करा के दे सकता है.
समझ में आया आप लोगों को? ये फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का. नाउ दिस पार्ट इज़ कम्प्लीटेड. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम स्टे सेफ.